जिसका नाम है ईबीएस पूरी एनसीईआरटी सीरीज है। ये सीरीज आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ऑनलाइन परीक्षा जो मोड में होनी है, सीबीटी मोड में जो परीक्षा होनी है उसके लिए खासा महत्वपूर्ण और जरूरी है, जहां पर हम शिक्षण के साथ साथ उनकी एनसीईआरटी की जो प्रमुख थ्योरी है उनको भी पढ़ने और जानने का प्रयास करेंगे, जहां से आपकी परीक्षाओं में प्राय सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल आपके सामने है कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है, किस पर? अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्बलन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ज्ञान के निर्माण पर। तो जितने भी साथी वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए सवालों के जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। जी हाँ, एकदम सही जवाब है आप सभी की और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के जो जवाब हैं इसी तरह से बने रहेंगे ताकि हम परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण स्कोर कर सकें। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम प्रश्न नंबर 91 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि अधिगम के सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत अर्थात इस सवाल का जो सही उत्तर है वो सी है। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को शेयर कर दिया है तो थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचा दिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा के रखेगा। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला है आपके सामने कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? सभी साथी जवाब देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कर देंगे। जी हाँ, सभी फटाफट बताएं क्वेश्चन नंबर 92 का सही जवाब क्या होगा। यहां पर एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, सिद्धांत है, सीखने की साध्यता का नियम है, सीखने का प्रभाव का नियम है, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम है, सीखने की तत्परता का नियम है। तो आपके हिसाब से सवाल का सबसे सही उत्तर क्या होगा जवाब दीजिएगा सभी साथी जितने भी लोग देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ होगा सीखने के सादृश्यता का नियम अर्थात सवाल का सही उत्तर क्या होगा। अगर आपने भी इस सवाल का उत्तर ए बताया है तो आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने है। शिक्षण से व्यवहार परिवर्तन होता है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, ये सभी। तो जितने भी साथी वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि शिक्षण से व्यवहार परिवर्तन होता है किसका, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक, ये सभी। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। अगर आप रेगुलर क्लास में होंगे यानी दुर्गेश के तो आप सभी प्रश्नों का जवाब दे लेंगे। जी हाँ, यहाँ पर ज्ञानात्मक भी होगा, क्रियात्मक भी होगा, भावात्मक भी होगा अर्थात ये सभी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है, आप सभी ने अगर इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है अर्थात इसके जवाब पूरी तरह से सही हैं। हम बढ़ते हैं इसके एक और अगले सवाल की तरफ, एक और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। मोर से बात कर लीजिए। शिक्षार्थियों के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए किसके लिए? समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा और इन सभी प्रश्नों का। प्रश्न नंबर 94 आपके सामने है। जी हाँ, यहाँ पर क्या है कि समूह कार्य दूसरे लेकिन नहीं है, समूह कार्य दूसरे से छात्रों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए ये सही है, ये प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं को हिस्सा लेना ये भी सही है। शिक्षक भी प्रश्न पूछ सकते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर याद करने में जी नहीं, याद करना, रटना। आपको मैं बार बार बताऊंगा, एनसीएफ 2005 आप इलेनी भी दुर्गेश के नोट से पढ़ लीजिएगा कि एनसीएफ 2005 से कम आपके सीटेट की परीक्षा में 30 से 35 सवाल अकेले अकेले आते हैं। अच्छा, के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने ये भी सही है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, माने जो गलत है वही आपका सही। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बनाए हैं तो आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। हम बढ़ते हैं फिर से एक और अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। फटाफट अंदाज में आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट जवाब दीजिएगा। देखिए, अनुक्रमिकता का नियम है, सामान्य से विशिष्ट है, निरंतरता का नियम है, प्रतिवर्ती का नियम नहीं, अर्थात इस सवाल का जो सही उत्तर है वो सी, जो गलत है वही आपका सही है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा
मानव विकास में कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन कौन सा मानव विकास सिद्धांत नहीं है? तो इसमें क्या है, प्रतिवर्ती जो है वो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर सी जो गलत है वही आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने है, कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान चाहिए, उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए? प्रश्न नंबर 96 का आप सभी लोग को जवाब देना है, जितने भी साथी इस वीडियो को यहां पर देख पा रहे हैं। जी हां, अगर प्रश्न नंबर 96 की बात करें तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, ये सही है। कहानी सुनाना चाहिए, ये भी सही है। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, ये भी सही है। उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए, याद रखें जहां पे आलाप दीज उपयुक्त सभी आ जाए वहां पर आपके ज्यादातर सवाल से उत्तर, अर्थात इस सवाल के जो उत्तर हैं आपके डी हैं। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है या आपके मन में इस सवाल का उत्तर डी आया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। मैं आपको बार बार कहता हूं, जहां पर भी सीटेट के सवाल में सीरीज में आपको आलाप दीज मिल जाए, ये सभी मिल जाए, आंख बंद करके लगाइएगा, आपके सभी सवाल के उत्तर सही होंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, सृजनशीलतावाद। जितने भी साथी इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। निम्न में कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? यहां पर क्या होगा, रचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद? सभी लोग कमेंट करिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सृजनशीलतावाद, अर्थात सवाल का जो सही उत्तर है वो आपका डी है। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है, तर्क से, चिंतन से, बोध से, विवेक से? 98 का जवाब सभी साथी देंगे। आप लोग वीडियो पे कमेंट करके जवाब दिया करिए, आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। यहां पर प्रश्न नंबर 98 का होगा अधिगम का बोध से, अर्थात इस सवाल का जो उत्तर होगा वो होगा आपका सी। अगर आपने भी इस सवाल का उत्तर सी जवाब दिए हैं तो आपके उत्तर सी सही है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, ज्ञानी निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणीक्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि काफी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप सब कभी न कभी पढ़े हैं, कभी न कभी जानते हैं। बताइए फटाफट कमेंट करके। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, सभी फटाफट कमेंट करें। चलिए यहां पर अगर हम देखें तो आप लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। यहां पर जो गैने का था, अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन, तो यहां पर एकदम सही आप लोगों ने बताया है अधिगम का श्रेणीक्रम, अर्थात सवाल का भी सही उत्तर जो है आपका ए है। अगर आपने सवाल का उत्तर ए बताया है आपके जवाब पूरी तरह से सही है। अगला सवाल है आपके सामने कि थंडरहेड के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और सकल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। प्रश्न नंबर 100 आपके सामने है और हम चाहेंगे इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। थंडरहेड के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या था? शारीरिक गठन और सकल सूरत, ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। रचनात्मकता और मौलिकता, संयोजन और बुद्धि, यह भी नहीं था। चिंतन कल्पना बी और डी भी क्या होगा, यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, चिंतन और कल्पना। यहां पर आपने भी अगर इस प्रश्न का उत्तर डी जवाब दिया है तो सही है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है, कौन सा भूलने का सिद्धांत है? कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध, प्रतिच्छायती अवरोध। सभी लोग जवाब देंगे 101 का। जी हां, कौन सा भूलने का सिद्धांत है, तो यह होगा प्रतीपकारी अवरोध। यहां पर इस सवाल का उत्तर भी होगा, यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके सीबीटी की परीक्षा में रिपीट कर सकता है, यहां से फिर से सवाल आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। हम बढ़ते हैं फिर से अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं क्या कहा जाता है? सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना। 102 का जवाब क्या होगा? व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें सीखना कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? ए, सीखना कहा जाता है। अगर आपने सवाल का उत्तर ए बताया है तो आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। हम फिर से बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ।
अगला है, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए, प्रतिदिन एक जैसी होनी चाहिए, या एक ही लाइन में बच्चों को बिठाना चाहिए इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत ना कर सके। 103 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा सभी साथी, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। जी हाँ, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, बताइए। आप कल को सरकारी अध्यापक अध्यापिका बनने की तैयारी कर रहे हैं तो सभी साथी जवाब जरूर दीजिएगा कि इसमें इस प्रश्न के हिसाब से आपका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए, प्रतिदिन एक जैसी। जी नहीं, ऐसा नहीं, अगर प्रतिदिन एक जैसी करेंगे तो मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे बच्चे बैठे हैं तो कुछ आगे तेज बच्चे हैं, पीछे कमजोर है, पीछे एकदम कमजोर है, फिर यहाँ मंदबुद्धि बालक है और यहाँ एकदम प्रतिभाशाली बालक है सबसे पीछे वाले बेंच पे, तो वही प्रतिदिन रहेंगे। हमें क्या करना है, इनके जो बेंच के क्रम है इनको भी बदलते रहना चाहिए। एक ही लाइन में बच्चों को बिठाना चाहिए, ये भी गलत है। इस प्रकार हो कि एक दूसरे बातचीत नहीं, बातचीत करना चाहिए, कक्षा में सजीवंत होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका ये होगा कि कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए, कभी आगे कभी पीछे कभी बीच में, जो कक्षा कक्ष गतिविधि होगी उसी के आधार पर उनके बैठने की जो गतिविधियाँ होंगी, बैठने का जो व्यवस्था होगा वह उसी आधार पर होगा। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। अगला है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशी रूप में सोचने में सीखने और वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। 104 नंबर सवाल के सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है, सभी लोग जवाब देंगे। डेली आप लोग इसी समय क्लास में लाइव रहा करिए और अपने सभी साथी मित्रों को वीडियो कॉलिंग शेयर कर दीजिए, सभी को जोड़ कर रखिए, क्योंकि अभी की बार हर हाल में टेट पास। यहाँ पर हमने देखा कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता, अर्थात सवाल का जो सही उत्तर होगा वो आपका डी होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर। सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इन प्रश्नों का जवाब देंगे। कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं, ये सभी लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स मिल जाएगा। डेली क्लास के लिए आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर। 105 का सभी साथी जवाब देंगे। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा विभेदीकरण स्तर, अर्थात सवाल का सही विकल्प जो होगा वो होगा कम ए। अगर आपने इस सवाल का उत्तर ए बताया है तो आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। हम इसी के साथ बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ, एक अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण। 106 नंबर सवाल का वो सभी साथी जवाब देंगे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए पढ़ रहे हैं। सभी साथी जवाब देंगे, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्या का सबसे अच्छा उपचार है। जी हाँ, यहां पर एकदम आपने सही बताया है, कठोर परिश्रम का सुझाव। ग्रंथालय में निश्चित करने का ये भी नहीं है, निजी शिक्षण जो ये भी नहीं, निदात्मक शिक्षण ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मत बने सुजान, रसरी आवत जात तय सर पर पड़े निशान। हम इसी के साथ फिर से एक और प्रश्न, नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एक अगले सवाल की तरफ आपके साथ बढ़ते हैं। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है यथार्थता, चालाकी, समन्वय, अनुकरण। 107 का जवाब दीजिएगा, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है अनुकरण, देखकर चीजें हम जल्दी सीखते हैं तो अनुकरण होगी। जैसे जी हाँ, यहां पर क्या होगा, डी अर्थात अनुकरण इसका सही जवाब होगा। अगर आपने अनुकरण जवाब दिया है तो आपका उत्तर सही है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में कौन आवश्यक घटक नहीं है? सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक, शिक्षक। 108 नंबर सवाल के सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक, शिक्षक। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो डी होगा, शिक्षक नहीं है जो, वही यहां पर सही है।
अधिगम करता है, आंतरिक अवस्था है, प्रेरक है, लेकिन यहाँ पर शिक्षक नहीं है। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, जो गलत है वही आपका यहाँ पर सही होगा। सीखने की परिघटना में अधिगम करता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक, शिक्षक आवश्यक घटक नहीं है। अरे जैसे ठंडाई की बिल्ली को देख लीजिए। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? यहाँ पे सवाल को ध्यान से देखिएगा और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ से आप सभी को एनसीईआरटी के सभी नोट्स, जी हाँ एनसीईआरटी के सभी नोट 6 से लेकर 12 तक के हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। आप वहाँ पे जाकर उन सभी नोट्स को पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? 109 नंबर सवाल का सभी साथी जवाब देंगे। यहाँ पर क्या होगा, छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संरचना का विकास, छात्र शिक्षक का संबंध का निर्माण, खोज सक्रिय अधिगम का विकास। अर्थात सवाल का उत्तर डी होगा कि लाभकारी नहीं है पूछा है, तो खोज सक्रिय अधिगम का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, सहकर्मी संचार का अधिगम, तो यहाँ पर ध्यान से देखना होगा ये सही है पूछा नहीं है। तो साथ शिक्षक का संबंध निर्माण ये भी सही है, एकीकृत छात्र केंद्रित, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र का अभिप्रेरण विकास निम्नलिखित में क्या लाभकारी नहीं है? तो यहाँ पर होगा सहकर्मी संचार का विकास, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वो आपका बी है, और जो गलत है वही यहाँ पर आपका सही होगा, खोज सक्रिय अधिगम। देखिए एकीकृत छात्र केंद्रित में क्या होगा, एकीकृत छात्र केंद्रित ना एकीकृत, हाँ यहाँ पर क्या होगा आपका जो सही जवाब होगा वो आपका बी होगा, क्योंकि कह रहा है कि ना देखिए छात्र का अभिप्रेरण का विकास होना चाहिए उसके लिए लाभकारी है, छात्र शिक्षक का संबंध निर्माण ये भी लाभकारी है, खोज सक्रिय अधिगम का ये भी है, लेकिन सहकर्मी संचार का जो विकास है ये किसी भी छात्र केंद्रित अधिगम के पाठ्यक्रम में लाभकारी नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा जो बी, जो गलत है। प्रश्न को ध्यान से कहा ये एकीकृत लिखा है, छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में क्या लाभकारी नहीं है, तो सहकर्मी संचार का विकास लाभकारी नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बी को डिलीट करेंगे, जो गलत है। बाकी ए सही है, सी सही है, डी, लेकिन यही आपका बी गलत है। जो गलत है वही सही है, यहाँ पे प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। 110 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? अगर हम बात करें सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की बात करें तो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास, बच्चों की स्मरण शक्ति मजबूत करना, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता विकसित करना, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम में अलग करती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास। अगर आपने भी सवाल को उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है? पावलोव, पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर। तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं ये सभी साथी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। जो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं इस कथन का श्रेय को जाता है? पावलोव, पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। जी हाँ, ये स्किनर को जाता है। किसको जाता है? स्किनर को। डी वालों के जवाब सही है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, पर्यावरण विषय विज्ञान की किन किन शाखाओं से संबंधित है? पर्यावरण विषय विज्ञान है जो किन किन विषयों से संबंधित है? ए, बी, सी, डी। जो विज्ञान से भी है, भौतिक विज्ञान से भी है, रसायन विज्ञान से भी है, ये सभी। अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा? डी, आला दीजिए। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। भौतिक विज्ञान पर्यावरण विषय में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप में है? कार्य व सामर्थ्य, ऊर्जा व संरक्षण संबंधी, बलों का प्रकार, जलवायु संबंधी। सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को यहां पर देख पा रहे हैं। देखिए कार्य सामर्थ्य भी नहीं है, ऊर्जा का संरक्षण संबंधित नहीं है, बलों का प्रकार नहीं है, जलवायु संबंधित। अर्थात इस सवाल का उत्तर क्या होगा? डी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया, आपके मन में इस सवाल का उत्तर डी आया है, तो जवाब सही है। अगला है सवाल आपके सामने, सामाजिक विज्ञान
प्राचीन कहानियों और भौतिक वस्तुओं से अलग मानव विषयों से संबंधित ज्ञान चिंतन के विषय समूह है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बेलर का, ग्लेयर्ड का, चार्ल्स का, डॉक्टर जिल्लर का? तो सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, ये चार्ल्स का है। सी वालों का जवाब सही है। 113 का बी। देखिए ऊर्जा संरक्षण संबंधित यहां पे देखिएगा, ये ऊर्जा जो है ये फिजिक्स का ऊर्जा है, और संरक्षण जो ऊर्जा की हम बात करते हैं वो पिरामिड का ऊर्जा का बात है, लेकिन यहां पर जो होगा जलवायु प्रकरण है, जो आपको दोनों में भौतिक विज्ञान में मिलता है और पर्यावरण में भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऊर्जा, यहाँ कार्य समय जूल वो वाली बात है, वो ऊर्जा की बात कर रहा है। 115 भूगोल विषय में पर्यावरण से संबंधित किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है? सभी लोग बताइए टेलीग्राम पर, आप सभी साथी दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं सभी साथी, और ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंधित कोई जानकारी चाहिए इन नंबर पर आप व्हाट्सएप करके या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास जनपद जौनपुर से आप सभी के लाइव चलती है, जहाँ पे नोट संबंधित जानकारी सभी लोग ले सकते हैं। भूगोल विषय में पर्यावरण संबंधित किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है बताइए फटाफट कमेंट करके। प्राकृतिक आपदा, ये प्राकृतिक आपदा का भी, अजैव घटकों का भी, संसाधनों की उपलब्धता का भी, उपलब्धि जहां पर उपरोक्त सभी होगा उस प्रश्न का जवाब पूरी तरह से सही होगा। अच्छा 111 नंबर पे भी कंफ्यूजन हो रही है, मैं उसको ही बता दे रहा हूँ। इसकी भी स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा, इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन स्किनर का है। आप एक बार देख लीजिएगा कि यह कथन जिसका होगा उसी का एग्जैक्ट होगा। मुझे पता था इसका स्किनर होगा, अगर आपको इसको इतर कोई हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये पूरा कथन है और ये कथन जिस व्यक्ति का होगा वही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कथन में कोई और उत्तर लगा सकते, हो सकता है अगर मेरे द्वारा गलत विकल्प हो या ऐसा आपको लग रहा है नहीं कोई और विकल्प हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। पूरे दिन की क्लास की शेड्यूल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और साथ ही साथ ऐप पर आपके लाइव क्लासेस चल रही, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं मेरी क्लास। आप सभी को निःशुल्क हमेशा देश हित में राष्ट्र हित में रहती है। और आज आपका सवाल जवाब के लिए है, टूटता तारा उल्कांड या उल्का पिंड में से क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 116 आज का आप सवाल है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, और आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में इस सवाल का जवाब देना है, और देखते हैं आप में से कितने भी साथी ऐसे हैं जो सवाल का जवाब देते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो बटन लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। थैंक यू सभी का, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले समय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पर बने रहिएगा, और इस सवाल का जवाब प्रश्न नंबर 116 का कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। 111 का बी लग रहा है स्वाति जी को, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है।